टीवी सीरियल गुम है किसी की प्यार की कहानी में लीप दिखाया गया है, और खास बात तो यह है कि लीप के बाद नई नए स्टार कास्ट की इंट्रोड्यूस कराया गया है। वहीं टीवी एक्ट्रेस कावेरी प्रियम नजर आ रही हैं, जिनका इस टीवी शो में आशिका का किरदार है, पॉजिटिव किरदार है। लेकिन क्या आप सभी दर्शक दिलचस्प बात जानते हैं, आशिका के किरदार के लिए शो के मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी टीवी एक्ट्रेस कावेरी प्रियम। उन्होंने इससे पहले टीवी की तीन पॉपुलर हसनाओं को ये किरदार निभाने का अवसर दिया था। तो तीसरे नंबर पर शुरुआत करते हैं, तीसरे नंबर पर आती हैं ब्यूटीफुल अदाकारा कनिका मान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आशिका के किरदार के लिए कॉन्टैक्ट शो के मेकर्स ने कनिका मान से किया था, लेकिन कनिका मान ने यह कहते हुए शो के मेकर्स को मना कर दिया कि वो किसी भी टीवी शो में मेल लीड एक्ट्रेसेस की भूमिका निभाना चाहती है, ना कि साइड हीरोइन के तौर पर, जिसके कारण मेकर्स को उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती हैं शिवांगी खेतकर। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कनिका मान के मना करने के बाद आशिका के किरदार के लिए जो मेकर्स की दूसरी पसंद थी वो थी शिवांगी खेतकर। लेकिन जब इन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो इनका काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ था, जिसके चलते शो के मेकर्स ने इन्हें ऑडिशन राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया आशिका के किरदार के लिए। अब तीसरे नंबर वन पर कौन आता है दोस्तों, नंबर वन पर आती है ब्यूटीफुल अदाकारा। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चहर चौधरी। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन की आज के डेट में नंबर A1 एक्ट्रेसेस में शुमार यहां पर प्रियंका चहर चौधरी के पास भी आशिका का किरदार ऑफर लेकर गए थे शो के मेकर्स। लेकिन प्रियंका चहर चौधरी ने कहा कि वो किसी दूसरे टीवी शो को शाइन कर चुकी है और कई सारे म्यूजिक वीडियो भी एल्बम में भी वो नजर आने वाली हैं, उनके पास टाइम शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अंत में मेकर्स ये किरदार का ऑफर लेकर गए कावेरी प्रियम के पास और कावेरी ने अपनी हामी भर दी, और इन दिनों ये गुम है किसी के प्यार की कहानी में आशिका के किरदार में नजर आ रही है। वेल, इनका किरदार किस कदर आपको दीवाना बना रहा है, प्लीज अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं।